हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल को। मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 जून को ये अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि मेष पर गोचर करेंगे और फिर जून तो पूरा गोचर करेंगे ही, जुलाई में भी 12 जुलाई तक गोचर करने वाले। अभी तक ये मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में थे, परंतु अब उसको छोड़ के मेष में गोचर करेंगे। तो मेष में गोचर करते हुए मंगल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि मंगल आपके कर्म के अधिपति, आपके साहस के अधिपति हैं और वही साहस के अधिपति साहस के भाव में ही पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले हैं। क्या लाभ देंगे, क्या समस्याएं खड़ी करेंगे और फिर समस्याएं खड़ी करेंगे तो उनका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में इतना महत्वपूर्ण है जैसे आपकी श्वास, उसी तरह मंगल, क्योंकि मंगल ही कर्म है, मंगल ही साहस का अधिपति है। वैसे तो शनिदेव अधिपति होते हैं कर्म के, परंतु मंगल होता है साहस का अधिपति। बिना साहस के कर्म भी व्यर्थ होता है, कर्म का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए कर्म के साथ में साहस, वीरता, शक्ति आवश्यक है। हम कहते हैं ना कि हम बहुत निराश हो चुके हैं, हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो खत्म हो चुका है, जो कि शनिदेव इस समय कर रहे हैं आपके साथ। तो अब मंगल आए हुए हैं आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने के लिए। प्रिय दर्शकों, मंगल आपको क्या लाभ देने वाले हैं, क्या आपके जीवन में बदलने वाले हैं? मंगल आपके करियर में इस समय बहुत कुछ बदलेंगे, परंतु मंगल ये कह रहे हैं कि शनि की दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आपके खुद के निर्णय बहुत सोच समझ के होने चाहिए, क्योंकि एक निर्णय आपके करियर में या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या तो नीचे ढकेल देगा। एक शब्द आपका आपके करियर में बहुत कुछ बदल देगा। मंगल आपके जीवन में इस समय देखा जाए तो शत्रुओं से आपकी सुरक्षा ज़रूर करेंगे, परंतु आपको स्वतः वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आपको वाद विवाद से दूरी बनाए रखना होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और आपको ऋण से पूरी तरह से दूर रहना होगा, चाहे ऋण आप ले रहे हों या दे रहे हों, इससे पूरी तरह से बचिए। क्योंकि आपने यदि गलती से पैसा दे दिया, लौटेगा ही नहीं। यानी कि कहते हैं ना, अब लोग फिर रोते रहते हैं, कोई रास्ता बताइए कर्ज से कैसे बाहर निकलें, मार्ग इसी तरह में नहीं मिलता है। क्योंकि मंगल का जब संबंध कर्ज के भाव से हुआ, कर्ज से किसी भी तरह यदि मंगल का संबंध हुआ, छोड़ दीजिए उस समय को। मैं मान सकता हूँ कि आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो कर्ज लेना पड़ेगा, रुक जाइए। लेकिन फंसते क्यों हैं, महीने सवा महीने डेढ़ महीने की तो बात है। और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। रही बात, यह ज़रूर है कि मंगल आपके मान सम्मान में वृद्धि तो करेंगे, परंतु वो वृद्धि डिपेंड करेगी आपके कर्मों के अनुसार। क्योंकि इस समय कर्म फलदाता की दृष्टि है मंगल के ऊपर। मंगल आपके जीवन में साहस में वृद्धि करेंगे। मंगल आपको, कोई आप परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, कोई कंपटीशन है, वहाँ पर आपको सफलताएं दिलाएंगे। मंगल जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनको भी लाभ दिलवाएंगे। और साथ में मंगल आपके जीवन में आपका जो मोटिवेशन खत्म हो गया था उसको जगाने वाले हैं। ये कुछ स्थितियाँ हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ हानियाँ हानि हैं। वैसे देखा जाए मोटे रूप में
तो मंगल का ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। और उपाय की हम बात करें, उपाय के रूप में आप जो हनुमान जी की शरण को पकड़े हुए हैं, पकड़े रहिए, खूब सेवा करिए हनुमान जी की, और राम नाम का खूब जाप करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हों। साथ में एक उपाय और भी आप कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और तीसरा उपाय, आप नित्य प्रति स्नान करिए और कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और समय से सो जाइए, क्योंकि ये नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि नहाते तो हम रोज हैं, पर ऐसे कुछ महानुभाव हैं जो नहाते ही नहीं, कई कई दिन नहीं नहाते, तो उनको मैं बता दूं कि समय नहा लो भैया, नहीं तो रोग हो जाएगा, घूमोगे यहाँ वहाँ, इसलिए नहाया करो। और नहाओगे नहीं तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो फिर नहलाएंगे आपको, इसलिए नहाइए खूब। और नहाने में कब नहाना है, कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ जाइए, नहा लीजिए और भगवान की सेवा करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी रहेगा बढ़िया और भी सब कुछ ठीक रहेगा। ये उपाय ज़रूर आप करें।